खुदाया में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तिलावत कलामुल्लाह की सआदत नसीब फरमा रहे थे हाफिज मोहम्मद सालिम साहेब। हाजरीन गिरामी कदर, आज के दौर में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरीके और नमूने और उसके उसवत पर चला जाए, यकीनन दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। इमामुल अंबिया सरवर कायनात शफीउल मुज़िबीन रहमतुल आलमीन रहमतुल आशिकीन इमामुल अंबिया सर ताजुल अंबिया शफीउल मुज़िबीन रहमतुल आलमीन रहमतुल आशिकीन सैयदुल वरा बद्रुद दुजा शमसु ज़ुहा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है। आपने फरमाया जो उस फितनों के दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, मन अहब्बा सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मिआत शहीद औ कमा काला अलैहि सलातु वसलाम। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह से 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने दीन का काम लेना हो वो इंसान तो अलग है, वो अल्लाह छोटे छोटे परिंदों से अबाबीलों से काम ले लिया करता है। अगर अल्लाह के दीन का काम हम नहीं करेंगे अल्लाह किसी और से ले लेंगे। हम दीन के मोहताज हैं, दीन हमारा मोहताज है। अगर हम अपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से सच्ची सुच्ची अकीदत मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे, माज़ अल्लाह मेरे पैगंबर की शान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आता। अगर रब्बुल आलमीन की तौहीद और रबूबियत के से इनकार करने अल्लाह की वहदानियत उलूहियत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आता, इसमें हमारा ही फायदा है। अगर हमारे अंदर इत्तेबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो अल्लाह का हुक्म, यकीनन दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी ही कामयाबी है। अब मैं नादे रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद उस्मान को के आए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शयाद शान में मेरे आका की नात पढ़े। सब्ज गुंबद बसा के नजर में, सब्ज गुंबद बसा के नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है, उनकी उल्फत सलामत रहे बस, सब्ज गुंबद बसा के नजर में, बाग जन्नत की हसरत रही है, उनकी उल्फत सलामत रहे बस, और कोई बिचाहत नहीं है। वक्त के ऐसी तो सुनो तुम, हम हुसैनी डरते नहीं हैं,
सर झुकाने की आदत रही है। सब्ज गुंबद बसा के नजर में बाग जन्नत की हसरत रही है। उनके उल्फत सलामत रहे बस I'm